Yerenin havaya kalkması ile vak eder, biz esas ışığı söndürürüz. Ferdi ışık lampaları... उतरते से ही मुंह से वाह निकलना स्टार्ट हो गई है। जिस तरीके का है ये छोटा सा प्लेन था, मेरे जो बैक साइड में देख रहे हैं वो इमिग्रेशन था। उससे क्या क्या सवाल पूछे मैं आपको बता दूँ। बोले मैं नमस्ते किए, मैं थोड़ा हंस रहा था, कुछ बोला नहीं उनको, खुल के चेक किए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। और इंडियंस को बहुत चाहते हैं यहाँ पे, रशियन काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, जो कि मुझे रशियन नहीं आती, मुझे ट्रांसलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे, जो सिर्फ 3 वर्ड आते रशियन में। और मेरे भाई को जो बैक साइड में उसको रशियंस थोड़ी बहुत आती है। तो फिलहाल मैं इस वक्त हूँ अक्ताऊ के एयरपोर्ट पे, काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है। तो एक्सचेंज कराने मैं इन भाई के साथ किया, यहाँ तक कि मेरे पास तो पानी लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो एक कमाल की इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है, भाई को बियर्ड बहुत पसंद है, बोल रहे फोटो ले रहे लोग। पहली बार लग रहा है सेलिब्रिटी बन गए हम लोग। नंबर ओके। तो फिलहाल मैं इस वक्त हूँ अक्ताऊ के एयरपोर्ट पे, काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है और मैं पहुँच गया था रात में ही, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। मैं इस बार जा रहा हूँ अभी अक्ताऊ सिटी। अक्ताऊ सिटी यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है और ये कुछ इस तरीके का अक्ताऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रात भर मैं यहीं पर था, सोया, नींद नहीं आई, कुछ भी, काफ़ी ठंड है अभी बाहर, -3 हो रखा है, देखते हैं अब क्या होता है इंशाल्लाह ताला। तो मैंने टैक्सी बुक कर रहा था, 2000 टेंगे बोल रहे थे, तो शाम्स ने जमा लिया, किसी को ऑक्टो स्टॉप समझा कि मुझे रशियन तो कुछ नहीं आती है, तो जम गया हमारा जुगाड़। हम जाएंगे अक्ताऊ लिफ्ट से। तो भाई मैं सिटी सेंटर पहुँच चुका हूँ और कुछ इस तरीके का सिटी सेंटर है। ये कार में आया था मैं जा रहा हूँ अभी सिम लेने के लिए। इंटरनेट कल मैं आया हूँ ये साथ एक शॉप पे जहाँ से मुझे सिम लेना था। लोकल्स रहते तो अच्छा रहता है, एयरपोर्ट पे 4000 टेंगे बता रहे थे, यहाँ पे 1000 टेंगे में काम हो गया। कितने का सीम है और कैसा सीम है मैं बताता हूँ आपको बाद में। नाजिया ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो हम लोग टैक्सी जा रहे हैं अब ट्रेन स्टेशन, ये है कुछ इस तरीके का अक्ताऊ स्टेशन। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाऊँगा मैं अस्ताना के लिए, ट्रेन है मेरी, मुझे पहले एक्सचेंज कराना, मेरे पास पैसे कुछ नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने बी लाइन सिम लिया था, ये है बी लाइन का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। ये पैकेज में फ्री है हर चीज़, देख लीजिए आप, आपके हिसाब से इंटरनेट चूज़ कर सकते हैं। 1000 टेंगे नंबर के लगे और 5000 रिचार्ज है, उसमें 16 GB इंटरनेट है और एक्टिवेशन का प्रोसेस काफ़ी अलग है यहाँ पे बी लाइन डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसके बाद आपका सिम एक्टिव होगा 1 घंटे के बाद, फिर आपको SMS भी करना है, एक्टिवेशन प्रोसेस फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नेट यूज़ कर पाओगे। मैगजीन में जा रहा हूँ मैं अभी, ये कुछ इस तरीके का है अंदर का स्टेशन, यहाँ से एंट्री, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक जैसा हुआ है। करंसी एक्सचेंज के बारे में कुछ और बोलो। वेयर फार मच फार फ्रॉम हियर, तो एक्सचेंज कराने में इन भाई के साथ किया। कक्ती पे जाबू ओमली में भाई ओमगत नाम है इनका, तो इनके साथ जा रहा हूँ मैं, मनी एक्सचेंज कराने की हेल्प कर रहे हैं मेरी, पता नहीं बैंक से करवाना पड़ेगा, यहाँ पे सब बैंक से कर रहे थे, अजरबैजान में भी मैंने बैंक से ही किया था। अनटिल द बस इज गॉन ब्लिजर शाफ्ट उसने पका बट ब्लिजर शाफ्ट उसने यू ट्रांसलेट आई डोंट नो। यहाँ तक कि मेरे पास तो पानी लेने के लिए भी पैसे नहीं है। या तो चेंज ना हो पर खत्म पसरो। तो एक कमाल की इंफॉर्मेशन मुझे पता चली है,
इन्फो बस यानी कैप है जो कि पूरे कजाकिस्तान में कहाँ कहाँ बस जाती है माशरूत का उस चीज़ की, तो वो डाउनलोड करना है मुझे। जो ये बैंक में आया हूँ बैग बैग तो मैंने ये बैंक से एक्सचेंज करा लिया और मुझे जो रेट है लगभग सेम ही पड़ा है, 82 रुपये चल रहा है रेट इंडिया में भी, तो वही रेट के हिसाब से मुझे ये बैंक से भी मिल गया है। मजबूरी में निकालना पड़ा था, नहीं तो और बैंक से पूछ सकता था मैं, अभी कहीं और अच्छा रेट मिल जाता था, पर मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं कुछ मिले, आज शाम में निकलना भी है। I just don't have. Okay. भाई को बियर्ड बहुत पसंद है बोल रहे। You good, good, yeah. Good beard. फोटो ले रहे हैं लोग। My number. पहली बार लग रहा है सेलिब्रिटी बन गए हम लोग। My number. Okay. चिमूर चिमूर माय नेम इज चिमूर। ओके थैंक यू सो मच। मेरे नाम अबुद नवेद खान। नवेद खान शाहरुख खान चुचु दृष्टि मारे बोल करता या या थैंक यू। ये 250 टेंगे का है 450 हिंदुस्की इंडिया। मेरे नाम अबुद नवेद खान। नवेद खान यू अबुद अदिल खान। अदिल खान गुड गुड खान अदिल खान तरह की मैगजीन में आया हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा मिल जाए। अज़रबैजान से काफ़ी सस्ता लग रहा मुझे। हेलो मैंने ये कुछ इस तरीके का एरिया हूँ मोर मोर फर्स्ट टाइम दिस पता है इसके लिए कितने रुपए लगे? 500 रुपए की नोट और 700 रुपए इतने ही चीज़ के लिए, मतलब यहाँ की करेंसी के हिसाब से कजाकिस्तान में मैंने 500 की नोट दिया और 100 रुपए और दिया, ये कुछ मिला मुझे। भूख लगी मुझे काफ़ी, देखता हूँ और आगे क्या क्या है, दोनों दिखाता हूँ आपको। ये है अक्ताऊ की गलियाँ कुछ इस तरीके की, और यह है बस स्टॉप अक्ताऊ का बैक साइड में रेलवे स्टेशन। मैं बस घूम रहा हूँ और कुछ देख स्वीट की दुकान थी काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, अच्छी दुकान है। तो वो बता रहे थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो, तो कोच अटेंडेंट या पता नहीं कौन थे वो जो यहाँ पे काम करते, उन्होंने बोला आपकी ट्रेन लग गई आपको जाना चाहिए। अभी बज रहा है मेरे हिसाब से 7:30 -3 डिग्री या माइनस हो सकता है, मुझे पता नहीं कुछ इस तरीके का स्टेशन है। और ये मेरी ट्रेन है, अब मेरा कोच नंबर मुझे देखना है, इस साइड में है माई कोच। टिकट्स मैंने कितने की लिया और बता दो आपको 13,000 टेंगे यानी हिसाब लगा लो मुझे कुछ पता नहीं। ये है मेरा कोच और ये मेरे कोच अटेंडेंट। दिस ठंड लगना स्टार्ट होगी, मेरा हाथ फ्रीज हो रहा है अब। उसकी यस वो मिस तो गए वो 40 द सॉरी सीट नंबर 40 यस दिस वन अल्लाह। कुछ इस तरीके का कोच है ये, और ये है कोच अटेंडेंट, ये सबको ब्लैंकेट सब बांट रहे हैं। तो फाइनली आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करता हूँ, जिस तरीके से काफ़ी कंजेस्टेड है यहाँ से, मतलब जो देख रहे हो आप इस साइड से उतने में मतलब हेड लग रहा है मेरा, बहुत कंजेस्टेड है, लगेज के लिए हो गया ऊपर साइड में। तो ठीक है मैं आपसे सुबह मिलता हूँ और सुबह बात करता हूँ, ट्रेन के बारे में पूरा लुकआउट दूंगा, पिलो कवर हर चीज़ के बारे में, कैसे क्या मिला है मुझे और कैसा लग रहा है मुझे, सब मैं आपको कल बताऊंगा। बाय। ज़िंदगी में पहली बार
मैं इतनी बड़ी जर्नी करने जा रहा हूँ। ये जर्नी समथिंग अराउंड होगी 2500 या 2800 किलोमीटर, तो ये काफ़ी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ मैं अपनी लाइफ का। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र रहेगा। मैं आज निकल रहा हूँ, आज तारीख हो रही है 28 दिसंबर और बज रहा है अभी 8:30। ट्रेन चले जाएंगी, फिर मैं यहाँ से वहाँ पे पहुँचूँगा 30 दिसंबर को 7 बजे। तो 1 जनवरी जो मैं मनाने वाला हूँ अस्ताना में, और ये है कुछ इस तरीके के नज़ारे, ये ट्रेन्स। अरे कुछ इस तरीके का लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो पूछ पूछ के आया। अल्लाह ये देखो पूरा रशियंस, और मेरे चेहरे से ही फॉग्स आ रहा होगा, बहुत फॉग। मैं बता दूँ टेम्परेचर कितना भी, और टेम्परेचर हो रखा है 1 डिग्री सेल्सियस रात में, और माइनस हो जाएगा फिर। और ये हो गया है कूल, यहाँ पे डाल के ये हरदम हीट ऑन रखते हैं। नोमैड नवेद, NOMAD नोमैड नवेद, NEWED नोमैड। This one. Yes.